चैनल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्पेशली सर्ग की सर्ग ड्रेस कटिंग एंड स्टिचिंग, जो कि रमज़ान में भी बहुत ही स्पेशल रहने वाली है ये ड्रेस। तो रमज़ान के लिए आप इसको बना सकते हो। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने रियोन फैब्रिक ले लिया है, 1 मीटर मैंने वर्क वाला फैब्रिक ले लिया है और 1 मीटर यहाँ पर मैंने सिंपल प्लान फैब्रिक ले लिया है इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर मैंने व्हाइट जॉर्जेट ली है जो कि हमारी 2.5 मीटर है। तो इस तरह से मैंने व्हाइट जॉर्जेट ले ली है 2.5 मीटर। तो इन सबको लगा करके मैं स्पेशली रमज़ान के लिए ड्रेस बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स सर्ग डिज़ाइन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा वर्क वाला फैब्रिक था, इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ होगी तो मैं फुल लेंथ रखने वाली हूँ, इसकी कटिंग नहीं करूँगी। कैसे भी इसकी लेंथ है हमारी 14 इंचेस पर इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर मैं इसके शोल्डर को मार्क करूँगी 7 इंच पर। इसके बाद आर्महोल को भी मैं 7 इंच पर ही मार्क कर लूँगी और इसके बाद यहाँ पर चेस्ट लूँगी मैं 9 इंच पर। इसके बाद यहाँ पे इसकी लूजिंग लूँगी मैं इस तरह से 8 इंच पे और इसके बाद यहाँ से लूँगी मैं इसको 11 इंच पे। स्लाइड की साइड से मैं इसको 11 इंच पे रख लूँगी और नीचे से जो इसकी विड्थ होने वाली है वो पूरी रखूँगी मैं यहाँ पे 16 इंच पे। अब इसके बाद यहाँ पे आर्महोल को मैं राउंड शेप कर दूँगी और इसको मैं इस तरह से मार्क कर दूँगी और नीचे तक के मैं इसको यहाँ पे कोने पर ले जाके इस तरह से मार्क कर दूँगी फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ पर मैं इसके नेक को मार्क कर लूँगी, नेक की विड्थ रखूँगी 3 इंच पर और नेक की लेंथ रखूँगी 5 इंच पे। तो फ्रंट का भी और बैक का भी दोनों सेम साइज़ के हमारे नेक होने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको इस तरह से जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहीं वहीं से मैं इसको कट कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है जहाँ पर भी मार्क किया है। अब इसके बाद यहाँ पर बैक वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। जो बैक वाला पार्ट मैंने यहाँ पर इस तरह से रख लिया है, इसको भी मैंने डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर मैं फ्रंट वाला पार्ट रख लूँगी। तो फ्रंट वाला पार्ट मैंने इसके ऊपर अच्छे से मिला के रख लिया है, ऊपर शोल्डर से आपको अच्छे से मिला लेना है। अब यहाँ पे फ्रेंड जो हमारा बैक वाला पार्ट होगा वो 2 इंच इससे लॉन्ग होगा, तो इस तरह से ये फोल्डेड में जाएगा। तो मैंने इसको 2 इंच लॉन्ग रख लिया है फ्रंट वाले पार्ट से बैक वाले पार्ट को। अब इसके बाद इसी के बराबर बराबर साइड से मैं इसको कट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसी के बराबर बराबर साइड से इसको कट कर दिया है नीचे से लॉन्ग रखते हुए और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से नोटिस लगा दूँगी जो कि हमारा फोल्ड में जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट कटिंग होकर रेडी हो गया है। अब मैं इसको स्टिच करूँगी। तो फ्रंट वाले पार्ट को मैं इस तरह से सीधा करके रख लूँगी अच्छे से और इसके बाद यहाँ पे मैंने नेक के लिए फ्रिल कटिंग कर ली है। तो ये मैंने फ्रिल कटिंग कर ली है यहाँ पे इस तरह से। अब मैं इसको डबल फोल्ड कर लूँगी और डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से नेक को मैं लगाऊँगी। तो हल्के हल्के से मार्जिन से मैं इसको स्टिच कर लूँगी पूरे को इस तरह से रखते हुए और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको बैक साइड पर फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, अंदर को स्टिचिंग लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से नेक को रेडी कर लिया है। सेम इसी तरह से मैंने बैक वाले पार्ट के नेक को भी रेडी कर लिया है। तो इस तरह से मैंने इसको भी रेडी कर लिया है यहाँ पे। अब दोनों को रख लूँगी मैं, दोनों की सीधी साइड अंदर रखूँगी और अब इसके शोल्डर को मैं स्टिच लगा दूँगी हल्के हल्के से मार्जिन से। तो यहाँ पर मैंने इसके शोल्डर को स्टिचिंग लगा दी है इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर इसके आर्महोल को रेडी करूँगी मैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर मैंने फ्रिल कटिंग कर ली है बिल्कुल नेक की तरह। तो ये मैंने फ्रिल ले ली है यहाँ पे इसको भी। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको इधर से डबल फोल्ड कर लूँगी और इधर से रखना स्टार्ट करूँगी। इसको भी मैं हल्के हल्के से मार्जिन से इस तरह से स्टिचिंग लगा लूँगी और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको सीधे की साइड पे फोल्ड करूँगी। आप चाहो तो इसको रॉन्ग साइड पर भी फोल्ड कर सकते हो। तो मैं इसको सीधे की साइड पर फोल्ड करते हुए ऊपर में किनारे किनारे पर स्टिचिंग लगा दूँगी इसको। सेम इसी तरह से दूसरे वाले आर्महोल को भी रेडी करूँगी मैं। इसको भी मैं फ्रिल लगा करके इसको सीधे की साइड पे फोल्ड करते हुए ऊपर मैं एक स्टिचिंग लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से हमारा जो आर्महोल है ये रेडी हो गया है।
सेम दूसरा भी हमारा इसी तरह से रेडी हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर वाली स्लीव्स को कटिंग करूँगी। तो ऊपर वाले पार्ट के लिए मैंने जॉर्जेट वाला फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया है इस तरीके से। अब इसके बाद इधर से ये जॉइंट रहेगा, इधर से कुछ भी नहीं करेंगे हम, इसको कट वट नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो फुल विड्थ रखूँगी मैं यहाँ पे, मैं इसकी तो कन्नी सी जो होगी वो हटा दूँगी। इसके बाद यहाँ पे जो इसकी विड्थ आई है वो आई है 21 इंच पे, और इसकी लेंथ भी यहाँ पे मैं फुल रखूँगी, इसकी लेंथ आई है यहाँ पे 56 इंच पे। तो इस तरह से यहाँ पे मैं इसको कटिंग कर दूँगी। इधर से ये जॉइंट है तो इसके मैं यहाँ पे 2 पार्ट बना लूँगी, और जो इधर से ये किनारी सी भी मैं कट कर दूँगी, तो इससे स्टिचिंग में अच्छा नहीं आता है। तो इधर से मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया है, और ऊपर से जो है मैंने इसको इस तरह से जॉइंट रहने दिया है, यहाँ से आपको कट नहीं करना है। और इधर से ये किनारी सी मैंने कट कर दी है। अब इसके बाद यहाँ से मैं एक पार्ट डालूँगी, दोनों पार्ट को आपको सेम इसी तरह से तैयार करना है। इसको यहाँ पे मैं इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा लूँगी, नीचे के पार्ट को भी और इधर वाले पार्ट को भी आपको इसको 1 स्ट्रिप में कंप्लीट कर देना है, दोनों साइड से फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड कर दिया है नीचे से भी इस तरीके से। तो दूसरे वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह से मैंने रेडी किया है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं कुर्ती ले लूँगी, तो ये मैंने कुर्ती ले ली है यहाँ पर इस तरह से। अब इसको मैं मार्क करूँगी, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इंच टेप ले लिया है, और 8 इंच पर मैं इसको मार्क कर दूँगी, इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब इसके बाद जॉर्जेट वाला पार्ट ले लूँगी, तो नीचे से आपको जॉर्जेट वाले पार्ट को किनारी से बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है, और ऊपर में बिल्कुल बीच में आपको एक निशान लगा देना है। तो मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे 8 इंच पे मैं इसको मार्क कर लूँगी, फ्रंट वाली साइड पर भी जॉर्जेट वाले पार्ट को, और बैक वाली साइड पर भी। कुर्ती के पार्ट को भी आपको इसी तरह से मार्क करना है, बैक वाली साइड पर भी मार्क कर लेना है 8 इंच पर। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको इस तरह से रखूँगी, और जो मैंने ऊपर में निशान लगाया है इसको मैं बिल्कुल शोल्डर के जोड़ से मिला लूँगी अच्छे से, और जो मैंने निशान लगाया है दोनों को, जॉर्जेट वाले पार्ट को भी और कुर्ती वाले पार्ट को भी, इस तरह से मैं इसको स्टिचिंग लगा लूँगी वहीं तक के। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टिचिंग लगा ली है 8 इंच तक के इस तरह से, और इधर वाले पार्ट को भी मैंने रेडी कर लिया है सेम इसी तरह से। बैक वाली साइड को भी मैंने इसको स्टिचिंग लगा दी है इस तरह से, मार्क करने के बाद स्टिच कर दिया है इसको। अब इसके बाद यहाँ पर मैं इसको उल्टा कर लूँगी, तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से उल्टा कर लिया है। अब इसके बाद इधर की साइड से मैं इसको रखूँगी, तो ये ओपन है यहाँ से। अब यहाँ पे मैं इसको 8 इंच पर मार्क कर दूँगी, तो ये 8 इंच पर मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब इसी मार्क से मैं स्टार्टिंग करूँगी स्टिचिंग लगाना, नीचे तक के मैं इसको ऑफ कर दूँगी स्टिचिंग लगा करके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने इसको स्टिचिंग लगा दी है इस तरह से, नीचे तक के मैंने इसको ऑफ कर दिया है सेम इसी तरह से। दूसरे वाले पार्ट को भी मैंने रेडी कर लिया है, स्टिचिंग लगा दी है इसको भी, ऊपर से मैंने ओपन रखा है और नीचे तक के मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है। अब इसके बाद इसको मैं अंदर कर दूंगी, जो हमारा जॉर्जेट वाला पार्ट होगा इसको सिंपली मैंने अंदर कर दिया है इस तरह से, और यहाँ पर मैं इसको फिटिंग की स्टिचिंग लगाऊँगी। पहले मैं इसको नीचे से फोल्ड कर लूँगी, सिंगल फोल्ड, डबल फोल्ड, एंड इसके बाद मैं इसको स्टिचिंग लगा दूँगी इस तरह से। और इसके बाद जो मैंने मार्क किया हुआ है इसी मार्क से मैं इसको ऑफ़ कर दूंगी, नीचे तक के स्टिचिंग लगा दूंगी फिटिंग की सेम इसी तरह से। मैं इसको पार्ट को अंदर कर दूंगी इस तरह से, और इसके बाद दोनों पार्ट को इस तरह से रखूंगी मिलाते हुए, और इसके बाद इसकी फिटिंग की स्टिचिंग लगा दूंगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने इसको नीचे से फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसकी फिटिंग की स्टिचिंग लगा दी है दोनों साइड से। तो इधर से भी मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी, तो यहाँ पे मैंने इसको सीधा करके रख दिया है इस तरह से। इसके बाद ही मैंने बटन ले लिए हैं, 4 बटन मैंने लिए हैं, तो एक एक करके इस तरह से मैं इसको नीडल की हेल्प से बटन को सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो स्वर्ग डिज़ाइनिंग कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। रमज़ान के लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाली है ये कुर्ती, आप ज़रूर से ट्राई करें। तो हमारा ये ड्रेस कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो इसके नीचे मैंने बनाया है व्हाइट प्लाजो। तो जी फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पे अपनी बात शेयर कर सकते हो, या फिर ड्रेस भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी वो ड्रेस स्टिच करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।